नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है मौरानीपुर से। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर से आए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नेपाल सिंह ने अपना पद संभालते ही मौरानीपुर कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौरानीपुर कोतवाली की व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं महिला हेल्प डेस्क को भी देखा। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने कहा, उनकी पहली प्राथमिकता है कि पीड़ितों को न्याय मिले, अपराधों से कमी आए। त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त है। जगह जगह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर चेकिंग की जा रही है एवं आने वाले चुनाव को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जुआ, सट्टा, मादक पदार्थों की बिक्री रोकने, कच्ची शराब के उत्पादन पर पूर्ण रोक लगाने के थाना अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं। सर, झांसी जिले में सर पहला आपका सर यहाँ पर मऊरानीपुर नगर में सर पहला आगमन हुआ, सर क्या कहेंगे आप जनता के लिए? सर मैं अभी 11 तारीख को जनपद में आगमन किया हूँ, यहाँ से मुजफ्फरनगर से आया हूँ। तो अभी मैं पहली बार अभी जनपद झांसी में थाना मऊरानीपुर पर आकर के मैं अभी जो सीओ मऊरानीपुर का सर्किल है इनका लोगों से बात किया हूँ। प्रायोरिटी हमारी ये है कि लोगों को राहत मिलनी चाहिए और कानून व्यवस्था जो है अपराध में कमी हो, लोगों का अच्छे व्यवहार हो। और 26 जनवरी आ रही है और त्यौहार और भी त्यौहार आ रहे हैं, उनको लेकर के हम लोग बड़े अलर्ट हैं और चेकिंग भी हम कर रहे हैं। और ये आप जानते हैं कि कप्तान सर के निर्देशन में चेकिंग चल रही है, हर जगह रैंडमली चेकिंग हो रही है। संदिग्ध वाहन हो, संदिग्ध व्यक्ति हो, उसकी चेकिंग कर रहे हैं हम लोग। और उसको लेकर के 26 जनवरी आ रही है, 15 जनवरी है, हम लोग बहुत अलर्ट हैं उसके लिए। और अभी हम लोग वार्ता किया है चुनाव को लेकर के और भी चीज़ें क्राइम को लेकर वार्ता किया अपने SO से और CO साहब से, यही बात है। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।